उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को राज्यसभा से दी गई भावभीनी विदाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री नायडू की नेतृत्व क्षमता और अनुशासन की बदौलत सदन ने नई ऊंचाइयां प्राप्त की। अंग्रेजी नहीं जानने वालों के लिए भी अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई होगी आसान। तकनीकी विश्वविद्यालय में अगले सत्र से मिलेगी सुविधा। फर्जी ई चालान से ठगी करने वालों का रायपुर पुलिस ने किया भंडाफोड़। दिल्ली से दो युवक और चार युवतियों को किया गया गिरफ्तार। और प्राकृतिक और स्थानीय उत्पादों से राखी बना रही हैं कोरबा की महिलाएं। लोकल फॉर वोकल को दे रही हैं बढ़ावा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को आज राज्यसभा से भावभीनी विदाई दी गई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राज्यसभा के सभापति श्री नायडू की नेतृत्व क्षमता और अनुशासन की बदौलत सदन ने नई ऊंचाइयां प्राप्त की हैं। श्री नायडू को उनका कार्यकाल पूरा होने पर बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान ऊपरी सदन के कामकाज में 70% इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि इस दौरान 177 विधेयक सदन ने पारित किए या उन पर बहस हुई। हमेशा युवाओं के लिए काम किया है आपने। सदन में भी हमेशा युवा सांसदों को आगे बढ़ाया, उन्हें प्रोत्साहन दिया। आप लगातार युवाओं के संवाद के लिए यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस लगातार जाते रहे हैं। नई पीढ़ी के साथ आपका एक निरंतर कनेक्ट बना हुआ है और युवाओं को आपका मार्गदर्शन भी मिला है और युवा भी आपको मिलने के लिए हमेशा उत्सुक रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भाजपा अध्यक्ष के रूप में श्री नायडू के नेतृत्व, केंद्रीय मंत्री के रूप में उनके परिश्रम और उपराष्ट्रपति के रूप में उनकी गरिमा की सराहना भी की। अंग्रेजी नहीं जानने वालों के लिए भी अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई आसान बनाई जा रही है। छत्तीसगढ़ के स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय में अब हिंदी माध्यम से भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की जा सकेगी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इसकी व्यवस्था की है। 12वीं तक हिंदी मीडियम से पढ़ने वालों के लिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई अंग्रेजी की वजह से पहले साल से ही बेहद कठिन हो जाती थी, पर अगले सत्र से ये मुश्किल दूर हो जाएगी। छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद के विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एम के वर्मा ने बताया कि अंग्रेजी में होने वाली पढ़ाई से हिंदी माध्यम के बच्चों को काफी परेशानी होती थी, इसलिए नई शिक्षा नीति में यह व्यवस्था की गई है। भाषा में लोगों को उपलब्ध कराया जाए और इसी दिशा में AICT ने इंजीनियरिंग क्षेत्र में रीजनल लैंग्वेजेस में शिक्षा को उपलब्ध कराने की दिशा में पिछले वर्ष शुरुआती दौर में 8 लैंग्वेजेस को लेकर के किताबें डेवलप की, ट्रांसलेशन किया और इस साल अभी 12 लैंग्वेजेस में कर चुके हैं और अंतिम लक्ष्य जो है, जो शेड्यूल है हमारे भारतीय संविधान में 22 लैंग्वेजेस क्षेत्रीय भाषाएं, उसमें हम शिक्षा की सारी किताबें उपलब्ध कराएंगे। उल्लेखनीय है कि AICTE के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय ने BE फर्स्ट ईयर का कोर्स हिंदी में तैयार करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसकी 5 पुस्तकें भी तैयार हो गई हैं। अगले सत्र यानी 2023-24 से हिंदी का ये कोर्स छत्तीसगढ़ के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ाया जाने लगेगा, जो कि वैकल्पिक और रेफरल होगा। सावन के महीने में बड़ी संख्या में लोग भरतपुर सोनहत विधानसभा के प्रसिद्ध जटाशंकर धाम पहुंच रहे हैं। सावन सोमवार को श्रद्धालुओं ने यहां पहुंचकर पूजा अर्चना की। यहां साल भर श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है, पर सावन के महीने में श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहां पहुंचते हैं। भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं ने बताया कि ये लोगों की आस्था का एक बड़ा केंद्र है और हर साल यहाँ सावन के महीने में मेले जैसा माहौल रहता है। में और प्राकृतिक गोद में बसा हुआ धार्मिक स्थल है जटाशंकर धाम।
730 सीढ़ी उतर के बाबा के धाम तक पहुंचा जाता है और गुफा के अंदर करीब 30 से 40 फीट घुटने के बल आदमी लेट के उसके अंदर जाता है और जहां पर बाबा जी की पिंडी रखी हुई है साक्षात भोले बाबा वहां पर है, विराजमान है। अंदर जाने पे घुटने के बल जाने पे ऊपर से जो पहाड़ी के अंदर से रिमझिम रिमझिम हल्का हल्का पानी टपकता जब शरीर में पड़ता है तो दर्द का आभास पूरा एकदम खत्म हो जाता है। और प्राकृतिक जल स्रोत है, उसका पानी इतना मीठा है कि आप उसको उसकी तुलना तो आप मेरे ख्याल से अमृत से ही कर सकते हैं। 80 वर्ष की तरह जटाशंकर जो धाम है चपली पानी के पास, वहाँ पर गुफा के अंदर भगवान भोलेनाथ विराज है, जहाँ पर व्यक्ति उनका जलाभिषेक करते रहती है और गुफा में बड़ा झुक के जाना पड़ता है और बावन हाथ वहाँ पर जो पैदल रेंग के सो के जाना पड़ता है, सभी मनोकामनाएं भगवान जटाशंकर महादेव पूर्ण करते हैं। बताया गया है कि भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए सकरी गुफा के अंदर 52 हाथ घुटने के बल जाना और आना होता है। जटाशंकर धाम में गुफा के अंदर प्राकृतिक रूप से भोलेनाथ विराजते हैं, जहां जाकर लोग पूजा अर्चना करते हैं। पिछले 40 सालों से लोग इस धाम में आ रहे हैं। रायपुर पुलिस ने छत्तीसगढ़ में पनप रहे एक नए तरह के अपराध का भंडाफोड़ करते हुए 2 युवक और 4 युवतियों को गिरफ्तार किया है। ये शातिर अपराधी सरकारी डेटा चुराकर लोगों की जेब से पैसे हड़पने का काम कर रहे थे। दरअसल ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों को पुलिस ई चालान भेजती है और लोगों को डिजिटल तरीके से जुर्माना देना होता है। इसी प्रोसेस का डाटा चुराकर ठग अपने खातों में पैसे ट्रांसफर करवा रहे थे। रायपुर के एक शख्स के साथ इसी तरह से ठगी की शिकायत मिलते ही पुलिस एक्शन में आई और दिल्ली जाकर एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया। रायपुर के एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि कुछ महीने पहले पुरानी बस्ती इलाके में रहने वाले हितेश कुमार को ई चालान भेजा गया था। ठग ने अपने अलग अलग फोन नंबरों से हितेश को कॉल करके धमकाया और अपने भेजे QR कोड में जुर्माने के 500 रुपये भेजने को कहा। डायलर मशीन्स हैं, पेन ड्राइव्स हैं, लैपटॉप हैं और उसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो उन्होंने GST में के रजिस्ट्रेशन के लिए, अलग अलग चीज़ों के रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया है। उसके अलावा इनसे स्क्रिप्ट्स मिली हैं जिन स्क्रिप्ट को पढ़ करके जो उनकी कॉलर्स हैं वो बात करती थी। बताया गया है कि इसके बाद पुलिस ने एक्शन प्लान तैयार किया। 10 लोगों की टीम दिल्ली में ही आम आदमी बनकर रहने लगी। 7 दिनों तक तिलक नगर के कॉल सेंटर के आसपास पुलिस के जवानों ने डेरा डाला। वे कोरियर बॉय बनकर कई बार उस दफ्तर में पार्सल लेकर पहुंचे। जब इस बात की तस्दीक हुई कि यहीं से रैकेट ऑपरेट हो रहा है तो इसके बाद छापा मारा गया। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को लेकर पूरे देश में तैयारियां अंतिम दौर में हैं। कोरबा जिले में भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर होने वाली परेड के लिए पुलिस जवानों के साथ ही NCC के कैडेट्स भी रिहर्सल कर रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी कोरबा के CSEB खेल मैदान में 15 अगस्त को ध्वजारोहण किया जाएगा। रक्षित निरीक्षक अनंत राम पैकरा ने बताया कि इस वर्ष भी कोविड प्रोटोकॉल का विशेष ध्यान रखते हुए आज़ादी का पर्व मनाया जाएगा। परेड में इस वर्ष 8 टीमें हिस्सा लेंगी। इनमें 6 प्लाटून शस्त्र के साथ परेड में हिस्सा लेंगे तो वहीं 2 प्लाटून NCC कैडेट्स को शामिल किया जा रहा है। टीमें हैं, प्लाटून जो है शस्त्र हैं और 2 NCC प्लाटून हैं, टोटल 8 टीमें। यहाँ पर पहले की तरह ही कोविड नियमों का पालन करते हुए ही परेड रिहर्सल कराया जा रहा है। इसमें इस बार यह है कि राज्य शासन के द्वारा NCC को शामिल किया गया है तो हम छोटे बच्चे लोगों को शामिल न करके जो NCC के सीनियर प्लाटून हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, उन्हीं को शामिल किए। आपको बता दें कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत घर घर तिरंगा फहराने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा इस संबंध में तैयारियां की जा रही हैं। और अब देखते हैं बारिश का हाल। प्रदेश के कई इलाकों में हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। बस्तर के 7 जिले, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, कांकेर और नारायणपुर में लगातार भारी बारिश हो रही है। इससे कई नदी नाले उफान पर हैं। नेशनल हाईवे बीजापुर भोपालपट्टनम को जोड़ने वाली सड़क मोदकपाल नाले के उफान पर होने से भोपालपट्टनम से संपर्क टूट गया है। नाले के दोनों ओर कई राहगीर भी फंसे हुए हैं। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में अगले 24 घंटों में जोरदार बारिश का पूर्वानुमान है।
इसी तरह लगातार हो रही बारिश से जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ क्षेत्र के बारगांव में नहर फूट गई, जिससे सैकड़ों एकड़ खेतों में पानी भर गया है और खड़ी फसलें डूब गई। गांव के किसानों ने इसके लिए जल संसाधन विभाग के अफसरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। गांव के किसान लव तिवारी और शिव नारायण कश्यप ने बताया कि एक दिन पहले ही जल संसाधन विभाग के SDO को इसकी जानकारी दे दी गई थी, लेकिन मौके पर पहुंची टीम ने कुछ नहीं किया। इसका नतीजा ये हुआ कि देर रात नहर फूट गई और खेतों में पानी भर गया। किसानों ने फसल खराब होने की आशंका जताते हुए मुआवजे की मांग की है। भाई बहन के प्रेम का पर्व रक्षाबंधन 11 अगस्त को धूमधाम से मनाया जाएगा। रक्षाबंधन के अवसर पर कोरबा जिले की महिलाएं प्रधानमंत्री के लोकल फॉर वोकल को साकार करती हुई नजर आ रही हैं। यहां की महिलाएं छत्तीसगढ़ की पारंपरिक संस्कृति और घरेलू सामानों को रेशम की डोर में पिरोकर आकर्षक स्वदेशी राखियां तैयार कर रही हैं। कोरबा कलेक्टर संजीव झा ने बताया कि महिला समूह की दीदियां काफी गतिविधियां कर रही हैं। रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर समूह की महिलाएं स्वदेशी राखी बनाकर देशी कला को बढ़ावा भी दे रही हैं। उन्होंने कहा कि कलेक्टरेट, जिला पंचायत और सी मार्ट में काउंटर खोलकर स्वदेशी राखियों की बिक्री को बढ़ावा दिया जाएगा। बहुत बड़ी संख्या में राखियों का निर्माण किया जा रहा है, जो हाथ से बनाई जा रही है और अपनी देसी कला का एक नमूना भी है। साथ के साथ अच्छी बात यह है कि वो स्थानीय उपलब्ध जो सामग्री से धान है या बाकी जो देसी अनाज है उनके बीज हैं, उससे भी राखियां बना रहे हैं, जो कि न केवल देखने में कलात्मक है बल्कि वो किसी भी तरह के न उसमें केमिकल कपड़ा है या कोई केमिकल ऐसा इक्विपमेंट, कोई केमिकल पदार्थ का उपयोग किया है। राखियां तैयार कर रही जननी संकुल की महिला समूह के सदस्यों ने बताया कि वे चावल, गेहूं, धान, रुद्राक्ष सहित मखने और रखिया के बीज से राखी बना रही हैं। इनमें लोकल घरेलू सामान लगे होने के कारण इनकी लागत काफी कम है, लिहाजा इन स्वदेशी राखियों को आम लोग भी खूब पसंद कर रहे हैं और माँ भाई बहन के बढ़िया प्यार बने रहे। और ये राखी है पैरा और धान, चावल, दाल, ये गेहूँ, ये सबसे बनाए जाते हैं सर। और हमारा उद्देश्य है कि सब जितना हमार महिला संगठन के लेडीज मन हैं ते मन सब बढ़िया ला थोड़ा थोड़ा रोजगार मिले। पिछले बार हम लोग 10,000 राखियाँ बनाई थी और 18,000 का मुनाफा हुआ था और इस साल दीदियाँ बहुत उत्साहित हैं कि उससे ज़्यादा मुनाफा हो, उससे ज़्यादा आवक हो, जिससे इनका घर अच्छे से चल सके। गौरतलब है कि कोरबा की महिलाएं घरेलू सामानों का उपयोग कर एक ओर जहां आकर्षक राखियां तैयार कर बाजार में आने वाली चाइनीज राखियों को सीधे टक्कर दे रही हैं, तो वहीं आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में अग्रणी भूमिका भी निभा रही हैं। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DT News पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने Android फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DT News लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DT News Facebook और Twitter पर भी उपलब्ध है। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को राज्यसभा से दी गई भावभीनी विदाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री नायडू की नेतृत्व क्षमता और अनुशासन की बदौलत सदन ने नई ऊंचाइयां प्राप्त की। अंग्रेजी नहीं जानने वालों के लिए भी अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई होगी आसान। तकनीकी विश्वविद्यालय में अगले सत्र से मिलेगी सुविधा। फर्जी ई चालान से ठगी करने वालों का रायपुर पुलिस ने किया भंडाफोड़। दिल्ली से 2 युवक और 4 युवतियों को किया गया गिरफ्तार। और प्राकृतिक और स्थानीय उत्पादों से राखी बना रही हैं कोरबा की महिलाएं, लोकल फॉर वोकल को दे रही हैं बढ़ावा। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।